सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम, जय जवान, जय किसान। साथियों, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। 20 से अधिक राज्यों के किसान प्रतिनिधि कल सुबह से इस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का यह अधिवेशन अपने आप में ऐतिहासिक भी है, अपने आप में ये निर्णायक भी है। पिछले 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पे लगातार किसान बैठे हुए हैं, हर राज्य से किसान इसमें भाग ले रहे हैं। इस आंदोलन में 600 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है। कई बार बीजेपी आरएसएस वाले लोग दुष्प्रचार करते हैं कि ये तो मात्र 2.5 राज्यों का आंदोलन है, लेकिन आप कल सुबह से लेकर अब तक के किसान प्रतिनिधि जो वक्ता रहे हैं उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए, 22 से अधिक राज्यों के किसान प्रतिनिधियों ने यहाँ पे अपनी बातें रखी हैं। लगभग 2 से 2.5 हजार किसान प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ये हमारी कोई पब्लिक रैली, पब्लिक गैदरिंग नहीं थी, ये तो किसान प्रतिनिधियों की बैठक थी जिसमें विचार विमर्श किया जा रहा है। कल पहला सत्र हुआ, उद्घाटन सत्र हुआ, उसके बाद ट्रेड यूनियन के साथियों ने दूसरे सत्र में अपनी बातें रखी। तीसरे सत्र में जो खेती और मजदूर थे, इन 3 काले कानूनों से खेती और मजदूरों को क्या नुकसान हो रहा है और क्या नुकसान होगा, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। आज अभी इन कानूनों से महिलाओं और नौजवानों के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में अभी ये चर्चा चल रही है। और फिर जो अंतिम सेशन होगा वो कंक्लूजन का होगा, वो अंतिम सेशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। उसमें आगे की रणनीति फाइनलाइज की जाएगी। आगे की रणनीति पर अभी गंभीर मंथन हो रहा है। 5 तारीख के मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को, किसान रैली को पूरे तरीके से सफल बनाने का ऐलान हो चुका है। लगभग 20 से 25 लाख किसान उस किसान महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं और 1947 के बाद की आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी गैदरिंग होने का रिकॉर्ड हम उसमें निश्चित तौर पर बनाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। पंजाब से किसान बड़ी संख्या में आएंगे, हरियाणा से किसान बड़ी संख्या में आएंगे, उत्तर प्रदेश के किसान रहेंगे ही रहेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से किसान प्रतिनिधि, किसान, आम किसान वहाँ पे पहुँचेंगे और उस पंचायत को पूरे तरीके से सफल बनाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस अधिवेशन में फाइनल होने वाली हैं और वो जो चीज़ें फाइनल होंगी वो इस आंदोलन को नई धार देंगी, वो इस आंदोलन को तेज करेंगी, वो इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने का काम करेंगी, जिससे ये आंदोलन देश के कोने कोने में पहुँच जाए। और हम ये बार बार कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आज पूरे देश को बेचने की साजिश रची जा रही है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जैसे माध्यम से, उसके अलावा हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा में किसानों की जमीन छीनने के लिए एक नया कानून ला दिया गया, जहां पहले के अधिग्रहण कानून में 70% किसानों की सहमति की जरूरत होती थी, आज नए कानून के तहत किसी किसान की कोई सहमति की जरूरत नहीं रहेगी। जो कलेक्टर, जो अधिकारी जब चाहे रात को चाहे दिन में चाहे किसानों की जमीन छीन सकता है। तो कुल मिला के जो ये सारे कानून हैं बीजेपी जो ला रही है, इनकी मंशा, इनकी सोच एक ही है, किसी भी तरीके से खेती को घाटे का सौदा बनाया जाए और किसानों की जमीन छीनी जाए। जबकि इस किसान आंदोलन का मकसद ये है कि किसानों की जमीन हम सुरक्षित रखेंगे, किसानों की जमीन को नहीं छीनने देंगे। तो सभी मेरा भाइयों से हाथ जोड़ के यही विशेष निवेदन है, देखिए, यदि हम यहाँ से भाषण सुन के और भाषण सुना के चले गए तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फिर जो मेहनत इस अधिवेशन के पीछे हुई है वो मेहनत रंग नहीं लाएगी। सिर्फ सुनने और सुनाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे सुनने के बाद हम अपने अंदर, अपने दिल में ये आग लेके जाएं कि देश के कोने कोने तक इस आंदोलन को पहुँचाएंगे। जिस भी राज्य, जिस भी गांव, जिस भी तहसील, जिस भी जिले में बैठेंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो किसान आंदोलन को बढ़ाने की बात करेंगे। जब ये हम यहाँ से प्रण करके जाएंगे, जब ये आश्वासन हम आयोजकों को, पूरे मोर्चा को देके जाएंगे, उसके बाद में हम मानेंगे कि ये अधिवेशन सफल हुआ है। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो भी साथी आए, ये बॉर्डर हैं जो, ये सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये किसानों के धाम बन चुके हैं। किसान मानते हैं कि यहीं पे भगवान बसता है, यहीं पे गुरुओं का वास है। तो यहाँ आए हैं तो एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई प्रेरणा लेके जाएं और इस आंदोलन को और भी दुगुना तेजी से राष्ट्रव्यापी करने का, तेज बनाने का हम काम करें, जिससे निश्चित तौर पर किसानों की जीत हो। और अंत में फिर ये कहूँगा, देश के कोने कोने में जो किसान बैठे हैं, 5 सितंबर को आप मुजफ्फरनगर में पहुंचना है और उस रैली को रैला बना देना है, पूरे मुजफ्फरनगर शहर को रैली में तब्दील कर देंगे। इतनी बड़ी संख्या में होने चाहिए, सारे ग्राउंड उस दिन छोटे पड़ जाएंगे। उसके अलावा शहर में भी, अभी मेरी बातचीत हुई थी तो शहर में भी माइक सिस्टम और स्पीकर लगवाए जा रहे हैं, तो पूरा शहर ही एक तरीके से रैली स्थल बन जाएगा। अनुशासन का ध्यान रखना है, शांति का ध्यान रखना है और बीजेपी आरएसएस के तमाम षड्यंत्रों से सावधान रहना है, क्योंकि 5 तारीख का प्रोग्राम हमारा कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है।
ये बीजेपी आरएसएस वाले षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक रहना है, अपना ध्यान रखना ही रखना है, अपने कंधे से इधर वाले का भी ध्यान रखना है, अपने कंधे से उधर वाले का भी ध्यान रखना है। और इस संयुक्त किसान मोर्चा के एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते आपको ये अपना पूरा मिशन सफल कराना है। जय जवान जय किसान।